जय हिंद दोस्तों, मैं सीएम क्रिकेट फंडस में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट फंडस को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों आप वीडियो को देखते हैं जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल को लेकर एक बहुत ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आए है। आईपीएल में आरसीबी इस बार कुछ अलग करने वाले है। आरसीबी ने आज तक आईपीएल के इतिहास में कोई ट्रॉफी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीते। लगातार 2008 से आईपीएल 2024 तक खेला है, लेकिन आरसीबी एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी व आईपीएल कप नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार आरसीबी वाले कुछ कमाल करने वाले हैं। 2025 में आरसीबी जरूर आईपीएल ट्रॉफी जीतेगा। इसके लिए उसके पास एक रोड मैप तैयार है। आरसीबी इस बार जरूर आईपीएल की ट्रॉफी जीतेगा। आपको क्या लगता है, आरसीबी इस बार आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगा या नहीं, आप कमेंट पर जरूर बताएं। आरसीबी टीम को लेकर आरसीबी मैनेजमेंट ने चार बारी बात कही है। इस चार बारी बात में आरसीबी ने कहा है, आरसीबी के मैनेजमेंट ने कहा है कि फैफ डुप्लेसी 2025 में आरसीबी के कप्तान नहीं रहेगा, वो प्लेयर भी नहीं रहेगा। फैफ डुप्लेसी को आरसीबी 2025 में रिलीज कर देगा, रिटर्न नहीं करेगा, और उसकी जगह ये पहली बात है। लेकिन तीन कप्तान आरसीबी की कप्तानी की रेस में सबसे ज्यादा दावेदार है, तो आरसीबी चाहेगा इसमें ही कोई एक कप्तान बने जो आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी जिताया। तीनों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है क्रिकेट को लेकर। आरसीबी का पहले जो कप्तान की रेस में है वो है कर्नूल लोकेश राहुल, केएल राहुल, कमल लाजवाब राहुल, क्लासिकल राहुल। नाम तो सुना ही होगा राहुल, क्योंकि राहुल की ऐसे होम ग्राउंड भी है और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर होम है, होम सिटी है उसका बैंगलोर। और राहुल बैंगलोर से ही खेलता है, अपने जो बैंगलोर का ही प्लेयर है, इसलिए बैंगलोर वाले तो चाहेगा कि राहुल ही उसका कप्तान हो। और राहुल कप्तान होने का वजह भी ये है क्योंकि राहुल एक अच्छे प्लेयर है, अच्छे बल्लेबाज है और ओपनिंग भी करते हैं, विकेट कीपर भी करते हैं। इसलिए राहुल का बिल्कुल तय है कप्तानी करना। और विराट कोहली के साथ राहुल का संबंध भी अच्छा है। और राहुल एलएसजी क्यों छोड़ेगा, क्योंकि राहुल एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स को राहुल दो बार क्वालिफाई कराया और इस बार क्वालिफाई नहीं कराया। क्वालिफाई तो कराया लखनऊ को, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीता। इसीलिए लखनऊ की मालिक इस बार राहुल से भिड़ गई थी। लखनऊ का जो ओनर है संजीव गोयनका, उसके साथ केएल राहुल के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए संजीव गोयनका इस बार लगता है केएल राहुल को रिलीज कर देगा। इसलिए आरसीबी केएल राहुल को अपने कप्तान बनाएगा, क्योंकि अगर ऑक्शन में आता है ऐसे भी ट्रेड हो जाता है तो केएल राहुल आरसीबी के कप्तान के रूप में देखा जा रहा है। और विराट कोहली के साथ केएल राहुल के संबंध भी बहुत अच्छे है। आपको क्या लगता है केएल राहुल आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया कप्तान होगा या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप राहुल के फैन है, केएल राहुल के फैन है, तो वीडियो का अब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आप इसी चैनल पर देख पाएगा कि आरसीबी क्या कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात है रोहित शर्मा, जो हिटमैन के रूप में जाना जाता है, रोहित शर्मा भी आरसीबी के कप्तान हो सकता है। जी हाँ, आरसीबी के कप्तान इसलिए हो सकता है कि एमआई का कप्तान अभी रोहित शर्मा नहीं है, हार्दिक पांड्या एमआई का कप्तान है और रोहित शर्मा एमआई छोड़ सकते हैं। अगर एमआई छोड़ता है तो रोहित आरसीबी का कप्तान हो सकता है। अगर राहुल नहीं होता तो आरसीबी का कप्तान रोहित शर्मा हो सकता है। और क्योंकि हाल ही में रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए वो प्रबल दावेदार है कप्तान के लिए। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी कुछ अच्छे है और रोहित के साथ विराट के संबंध भी बहुत अच्छे है, इसलिए रोहित भी आरसीबी के कप्तान हो सकता है। क्या रोहित इस बार आरसीबी के ट्रॉफी जीता सकता है या नहीं, अगर आरसीबी का कप्तान होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीता है, मुंबई इंडियंस को चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है, तो इसलिए ट्रॉफी जीतना तो रोहित के लिए एक अलग ही कुछ अलग ही लगता है। इसलिए क्या रोहित शर्मा को आरसीबी वालों कप्तान बनाया नहीं बनाया, इसलिए आप कमेंट में जरूर बताएं क्या रोहित शर्मा अगले कप्तान है क्या। आरसीबी मैनेजमेंट तो देख के लगता है कि रोहित शर्मा ही अगले कप्तान हो सकता है उसके। और चौथी बड़ी बात है ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे विकेट कीपर है और युवा प्लेयर है।
ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स छोड़ सकता है। जी हाँ, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स छोड़ सकता है क्योंकि दिल्ली में रिकी पॉन्टिंग हेड कोच था और मेंटर था सौरभ गांगुली जो हैवीवेट था, फिर भी दिल्ली की इस बार कुछ आईपीएल में अच्छा नहीं कर सकता, आखिरी पर छठे या सातवें नंबर पे थे। लेकिन क्या ऋषभ पंत की जगह श्रेयस अय्यर को दिल्ली कप्तान बनाएगा? इसलिए दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत को छोड़ सकता है। अगर ऋषभ पंत को छोड़ दिया तो ऋषभ पंत ऑक्शन में जाएगा तो आरसीबी वाले उसको जरूर खरीदेगा, और आरसीबी वाले उसको कप्तान इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ऋषभ पंत एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है और मिडिल ऑर्डर में आरसीबी का बल्लेबाज काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैक्सी का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैक्सी को भी आरसीबी छोड़ सकता है। इसलिए ऋषभ पंत आरसीबी के लिए बहुत जरूरी है और वो एक धुआंधार बल्लेबाज और लेफ्टी बल्लेबाजी भी करता है। क्या आरसीबी वाले पंत को कप्तान बनाएगा या नहीं बनाएगा, आपको कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगे? अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, अगर आप ऋषभ पंत के फैन है, रोहित शर्मा के फैन है, विराट कोहली के फैन है तो और के एल राहुल के फैन है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल क्रिकेट फैंटेसी को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों बेल आइकन को आप जरूर दबाए क्योंकि आने वाले वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाए इस बारे में कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा? आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, तम बाय बाय, टाटा गुड बाय, गया।